बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा किया। आप अलैहिस्सलाम ने पैदा होने के फ़ौरन बाद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से लोगों से कलाम किया और अपनी वालदा की पाकदामनी बयान की। हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल आने वाले आखिरी नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का पैगाम दिया था। मुफ्ती अब्दुल वाहिद की एक ज़बरदस्त वीडियो है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के उस मुकाम पर गए हैं जहां उनकी वफ़ात हुई थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जहां पर आखिरी खाना खाया था वो मुकाम भी अब्दुल वाहिद साहब बता रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के तबके को अपना भाई करार दिया है। कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को मान ना ले और उन पर ईमान ना लाए और उनकी इज़्ज़त और अजमत हुरमत और तकद्दस को अपने नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ना समझे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह हमें भी ऐसे मकामात पर जाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।